नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का एक बार में फिर से स्वागत करता हूं। और हमारा चल रहा था मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में जो सबसे शानदार टॉपिक है हमारा महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के बारे में हम डिटेल से बात कर रहे थे। महाराणा प्रताप का एक पार्ट हो चुका है और आज हम जो इसी के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कल लास्ट की क्लास में मैंने बताया था कि जो महाराणा प्रताप है उनके सहयोगी कौन कौन थे, और इधर मानसिंह है जो मुगल सेना का सेनापति है, उनका सहयोगी कौन कौन है। ये बात यहाँ तक ही मैंने बता दी। आज बात करते हैं कि जो हल्दीघाटी युद्ध है उसमें किन की हाथियों की भूमिका क्या है, जो हाथी होते हैं ना उनकी क्या क्या भूमिका रही है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में। हाँ जी, सभी स्टूडेंटों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, हम बात करते हैं हल्दीघाटी में हाथियों की भूमिका। ठीक है, अब बात यहीं से करने वाले हैं। वो देखो, हल्दीघाटी में हाथियों की भूमिका, कि जो हाथी हैं उनकी क्या क्या भूमिका रही है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जो महाराणा प्रताप है उनके जो हाथी हैं उनका क्या नाम है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं महाराणा प्रताप। जो महाराणा प्रताप हैं उनकी हाथियों के बारे में बात करते हैं, तो कौन कौन से हैं आप बताओ। महाराणा प्रताप के हाथी कौन कौन से हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। तो इनमें कौन कौन से हैं, दो हाथी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनमें एक का नाम है कौन सा, लूणा, और दूसरे का नाम है राम प्रसाद। क्या नाम है दूसरे का, राम प्रसाद। तो ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, और यहीं से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये दो हाथी हैं जिनका नाम है लूणा और दूसरे का नाम है राम प्रसाद, उनके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि लूणा है और दूसरा इसमें राम प्रसाद है। तो राम प्रसाद है, उसकी बहुत ज़्यादा क्या रहती है, भूमिका रहती है किस में, हल्दीघाटी के युद्ध में। तो जो राम प्रसाद है, यहाँ से हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए आपके। तो राम प्रसाद के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो पहला हाथी का नाम है राम प्रसाद। क्या नाम है जी, राम प्रसाद। देखो नाम भी कितने खतरनाक हैं, जैसे आदमियों के नाम होते हैं ना उससे भी खतरनाक है लूणा और राम प्रसाद। देखो कितने खतरनाक आदमी है, सॉरी हाथी हैं। उसी प्रकार से जैसे ये जो मानसिंह है यानी अकबर है, इनके भी क्या है, हाथियों के नाम है, बहुत ही गजब तरीके के हाथी हैं। अब ये क्या करते हैं, हल्दीघाटी में युद्ध करेंगे, तो उस युद्ध की भूमिका मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जो राम प्रसाद है उनकी, जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात बताऊंगा कि ये प्रताप का विश्व विख्यात लड़ाकू हाथी था, यानी विश्व में ये प्रसिद्ध था कौन, राम प्रसाद। प्रताप का विश्व विख्यात लड़ाकू हाथी था, यानी ये विश्व में प्रसिद्ध था, यानी किसके, लड़ाकू के मामले में बहुत ही ज्यादा ये प्रसिद्ध था, यानी विश्व भर में ये प्रसिद्ध था। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, अब यहाँ क्या होता है कि हल्दीघाटी के युद्ध में, दूसरी बात है कि हल्दीघाटी के युद्ध में राम प्रसाद है उसको क्या बना लिया जाता है, मुगलों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, या मुगलों ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया। दूसरी बात है हल्दीघाटी में मुगलों द्वारा
अधिकार कर लिया गया। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब आगे की ओर बताओ, इसकी और क्या विशेषता है फटाफट। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, अब क्या करता है जो अकबर है, इसका क्या कर देता है, नाम परिवर्तन कर देता है। जब इसे राम प्रसाद को बंदी बना लिया जाता है, इसके बाद में इसका क्या नाम रखा जाता है, फटाफट बताओ आप भी। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, वीर प्रसाद। तीसरा बात करते हैं इसका अकबर के द्वारा द्वारा नाम परिवर्तित या नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। क्या नाम रखा का भैया? वीर प्रसाद। क्या नाम रख दिया? वीर प्रसाद। ये क्वेश्चन आता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हल्दीघाटी में जो राम प्रसाद है ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया, पीर प्रसाद। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ एक इसका महावत होता है, महावत का मतलब होता है कि इस हाथी को गाइड करने वाला, इस हाथी को चलाने वाला, तो उसका क्या नाम है बताओ फटाफट। हाँ जी, वेरी गुड, प्रताप सिंह तंवर। महावत का क्या नाम है? प्रताप सिंह तंवर। ये लो जी, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है काफी एग्जाम में कि जो राम प्रसाद है उसका महावत यानी उसको चलाने वाला कौन था, तो कौन था उसका, प्रताप सिंह तंवर। तो ये राम सिंह के बारे में, जो राम प्रसाद है उसके बारे में हमने डिटेल से बात की है। लोना में इतनी कोई खास बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इससे ही पूछे जाते हैं। हमें तो क्वेश्चन के दृष्टि से कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो आप फटाफट क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे बढ़ पाए। और ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। तो ये तो किसके थे भैया, महाराणा प्रताप के हाथी थे। कौन कौन से? लूणा और कौन सा? राम प्रसाद। फिर अकबर ने इसका नाम परिवर्तन कर दिया, क्या रख दिया? पीर प्रसाद। अब बात करेंगे जो मुगल के जो हाथी है यानी मुगलों के हाथियों के बारे में। तो मुगलों के जो हाथी हैं वो कौन कौन से? मुगलों के हाथी, तो भैया मुगलों के कौन कौन से हाथी हैं फटाफट बताओ, आप नाम बताते रहो। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। गज कौन सा? हाँ वेरी गुड, गजमुख, वेरी गुड। पहला कौन सा है? गजमुख। और बताओ फटाफट नाम। हाँ जी, गजराज गजराज, वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रणमंदर, गजमुक्त, गजमुक्ता। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बता रहे हैं। हवाई, मर्दाना। ये भैया किन के हाथी हैं? ये मुगल सेना के हाथी हैं भैया। कौन कौन से? गजमुख, गजराज, रणमंदर, गजमुक्त, गजमुक्ता, हवाई और मर्दाना। हाँ विक्रम जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विक्रम के सबसे पहले आ रहे हैं भैया कमेंट्स। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हरीश के भी बढ़िया आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये नाम किसके हो गए? ये मुगलों के जो कौन है हाथी है उनके नाम है।
हाँ जी, और बच्चों के काफ़ी बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ पे अब देखो एक नोट करके मैं बात लिखता हूँ, ये इम्पोर्टेंट बात है, बताना आप, मैं बताता हूँ। मुगलों के हाथियों का नेतृत्व करने वाला, मुगलों के हाथियों का नेतृत्व करने वाला कौन व्यक्ति था भैया, फटाफट बताओ कौन व्यक्ति है। हाँ जी, बहुत जल्दी कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हुसैन खां। कौन है भैया? हुसैन खां। तो ये क्या था, जो महावत है, आप महावत समझ सकते हो। तो प्रताप के हाथियों का महावत कौन था? प्रताप सिंह तंवर। और मुगलों के हाथियों का महावत समझ सकते हो या नेतृत्व करने वाला समझ सकते हो, कौन है? हुसैन खां। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इनकी दोनों के हाथियों के बारे में आपको पता चला होगा। अब देखो क्या होता है, ये जो हाथी है इनका हम युद्ध करवाते हैं। अब देखो धरती भी वहाँ हिलती है, देखना आप भी हिलोगे बैठे बैठे, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, फटाफट आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, वेरी गुड। अब क्या होता है देखना, इधर से जो प्रताप है, प्रताप की सेना से जो हाथी जाता है युद्ध के लिए, उसको देखना, युद्ध होता है भैया हाथियों का। अब युद्ध किस किस के मध्य होता है, इधर से तो कौन जाता है? लूणा। कौन जाता है? लूणा। और वर्षंग ये किसके साथ युद्ध होता है भैया? गजमुख। किसके साथ होता है? गजमुख के साथ ये युद्ध होता है। ये युद्ध है बहुत ही भयंकर तरीके से होता है, और लूणा है गजराज को पटक पटक के मारता है, बुरी तरह से मारता है। और इसमें क्या होता है, गजमुख है ये मारा जाता है, यानी घायल होके ये मारा जाता है। और यहाँ इस पे क्या होती है, लूणा की जीत होती है, जीत होती है। लेकिन बाद में क्या होता है, लूणा के तीर लगने से ये घायल हो जाता है, तीर लगने से घायल हो जाता है। अब क्या होता है, अब भैया गुस्सा आ गया, किसको गुस्सा आ गया? अब आ गया राम प्रसाद को, बुरी तरीके से गुस्सा आ गया। क्योंकि भैया आप ये लूणा को चाहे छोटा भाई समझे, चाहे और कुछ समझे, साथी समझे, कुछ भी समझता है, जब इसके साथी के साथ ऐसा होता है तो आप गुस्सा आता है या नहीं आता है? राम प्रसाद बहुत ही गुस्से से क्या आता है, मैदान में आता है। जिस प्रकार से क्या साउथ की मूवी में एक हीरो एंट्री करता है, उसी प्रकार से युद्ध के मैदान में किसने एंट्री की? राम प्रसाद ने एंट्री की, और सामने ललकारता है किसको, जो मुगलों के जो हाथियां हैं उनको ललकारता है कि आ जाओ एक साथ में। जिस प्रकार से साउथ का हीरा बोलता है ना कि सब साथ में आ जाओ, उसी प्रकार से ये राम प्रसाद भी क्या बोलता है कि जो सभी हाथी हैं एक साथ आ जाओ, आज देखो आपकी खैर नहीं है। ये बात कौन बोलता है? राम प्रसाद बोलता है। लेकिन जिस प्रकार से जो मूवी में दो दो तीन तीन आते हैं, उस प्रकार से एक साथ ना आके इनके साथ में युद्ध होता है, तो वो कौन कौन आते हैं देखना, बहुत दासु तरीके से युद्ध होता है। अब यहाँ पे घायल होने के बाद में कौन जाता है? राम प्रसाद जाता है। कौन जाता है? राम प्रसाद। कहाँ जाता है भैया? युद्ध में जाता है, और कहीं नहीं जाता। अब युद्ध होता है इसके किसके साथ, वर्षंग किसके साथ में युद्ध होता है? तो ये युद्ध होता है रणमंदर और गजराज के मध्य। किसके मध्य? रणमंदर। इसमें दो हाथी एक साथ में आते हैं, रणमंदर और दूसरा गजराज। ये जब दोनों आते हैं तो राम प्रसाद गुस्से ही गुस्से में इन दोनों को बुरी तरीके से मारता है, और दोनों ही क्या हो जाते हैं? घायल होके मर जाते हैं।
लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ एक घटना घट जाती है जो कि बुरी तरह से हो जाता है। वो क्या होता है, यहाँ पे मुगलों की जो सेना है वो क्या कर लेती है, राम प्रसाद को चारों तरफ से क्या कर लेती है, घेर लेती है। क्या कर लेती है, राम प्रसाद को चारों तरफ से घेर लेती है और उसे बंदी बना लेती है। क्या कर देती है, बंदी बना लेती है। और इसका महावत है, कौन है, प्रताप सिंह तंवर है, उसको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, अब ये बंदी बना लेते हैं, कौन बना लेता है, मुगलों की सेना ने इस राम प्रसाद को बंदी बनाकर फतेहपुर सीकरी भेज देते हैं। वहाँ पे क्या करता है अकबर, राम प्रसाद का नाम परिवर्तन कर देता है और वह राम प्रसाद से इसका क्या नाम रख देता है, पीर प्रसाद रखता है। देखो नाम, देखो कितने शानदार तरीके के हैं, नाम इतने खतरनाक लग रहे हैं, यानी पहले के आदमियों के नहीं होते थे। आजकल तो यार कहाँ नाम रखते हैं, चिच्चू नाम रखते हैं। पहले नाम होते थे बड़े बड़े एकदम शानदार तरीके के, उसी प्रकार से ये क्या करते हैं, हाथियों के भी ऐसे नाम रखते थे। क्यों क्यों रखते थे, क्योंकि ये जानवरों को भी अपने से ज़्यादा प्यार करते थे और ये जो जानवर होते हैं अपने मालिक के प्रति क्या होते हैं, वफादार होते हैं, इसलिए इनके आदमियों की तरह नाम रखे जाते थे। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, राम प्रसाद को बंदी बना लिया जाता है और कहाँ भेज दिया जाता है, फतेहपुर सीकरी भेज दिया जाता है। वहाँ पे अकबर ने इसका क्या कर देता है, नाम परिवर्तन कर देता है, क्या नाम रख देता है, पीर प्रसाद नाम रख देता है। आई बात समझ में आपको, चलो बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक समझ में आई तो आप इसका फटाफट क्या करो, यहाँ पे देखो एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाती है, इसकी जीत हो जाती है, जीत तो हो जाती है, लेकिन ये चारों तरफ से क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है। ठीक है जी, एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आगे की, जो हल्दी घाटी है, उस हल्दी घाटी में जो सेनापति होते हैं उनकी भूमिका के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से सेना की भूमिका के बारे, ये जो सेनापति हैं उनकी भूमिका के बारे में बात करते हैं। सेनापतियों की भूमिका के बारे में देखो, मैंने तो यहाँ काम निकाल लिया, पेंसिल कॉपी में काम मत निकाल देना, ऊपर काट के वहीं लिख लो। ना ना, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है जी, तो हल्दी घाटी में किसकी भूमिका, सेनापतियों की भूमिका के बारे में बात करते हैं। और यहाँ से आपको काफ़ी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, देख लेना आप कोई भी एग्जाम उठा के, और मैं भी बताता हूँ कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहीं से। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, अब बात करते हैं जो मुगल है सबसे पहले। हाँ जी, गुड गुड। हाँ जी, अब बात करते हैं जो मुगल है उनका सेनापति है, मुगल सेना का सेनापति कौन था भैया, मानसिंह था या नहीं था, शुरू से यही था, ये लोग मानसिंह था इनका सेनापति। अब बात करते हैं यहीं से। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो यहां पे मुगल सेना का हरावल दस्ता, ये जो मुगल सेना है इनका हरावल दस्ता का सेनापति, सेनापति कौन थे भैया, दो व्यक्ति हरावल दस्ते के सेनापति थे और वो कौन थे, जगन्नाथ कछुआ और आसफ खां। कौन कौन थे, जगन्नाथ कछुआ और कौन सा, आसफ खां, ये क्या थे, हरावल दस्ते के सेनापति थे। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये हरावल दस्ता क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी, बताता हूँ। ये हरावल दस्ता क्या होता है, जो सेना होती है, सेना के जो आगे की जो टुकड़ी होती है उसका सेनापति होता है। हरावल दस्ता का मतलब क्या होता है, सेना के आगे की टुकड़ी
टुकड़ी का सेनापति, यानी सेना की जो आगे की टुकड़ी है उसका ये क्या होता है, सेनापति होता है। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब ये तो क्या था, हरावल दस्ता, केवल एक ही दस्ता था किसकी, मुगल सेना में केवल एक ही दस्ता था, वो क्या था, हरावल दस्ता। लेकिन प्रताप की सेना में चंदावर दस्ता भी होगा, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यही बात आती है कि मुगल सेना के हरावल दस्ते का सेनापति कौन थे, दो थे, जगन्नाथ कछवा और आसफ खां, ठीक है। लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था, तो वो था मानसिंह। बोलो समझ में आई क्या यह बात। अब आगे की बात करते हैं, यहां से मैं आगे की बताऊंगा कि यहां से देखो क्या करते हैं, जो प्रताप की सेना है उसके बारे में बात करते हैं। ये मुगल सेना हो गई, अब बात करते हैं प्रताप। ये लो जी, अब प्रताप की सेना है, इसका जो सेनापति है वो कौन है जी, फटाफट बताओ। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, हाकिम खां सूरी सेनापति, कल बताया था मैंने, हाकिम खां सूरी, ये मुख्य क्या था इनका, सेनापति था। किसकी सेना का, प्रताप की सेना का मुख्य सेनापति था, वेरी गुड। अब यहां पे हरावल दस्ता है और एक चंदावर दस्ता होता है, ठीक है जी। कौन कौन सा, हरावल दस्ता और चंदावर दस्ता, ये जो सेनापति हैं, यहां से बताते हैं प्रताप का, हरावल दस्ता का सेनापति, सेनापति कौन था भैया, यही था हाकिम खां सूरी, हाकिम खां सूरी। अब मैंने ये जो बताया आपको हरावल दस्ता क्या है, ये सेना की जो आगे की टुकड़ी होती है उसका अपने नियंत्रण में रखता है, ठीक है। यानी यही इसको नियंत्रण करता है कि कैसे युद्ध करना है, किस तरह से आपको बचना है, ये पूरी पूरी डिटेल कौन करता है, ये जो हरावल दस्ता। अब दूसरा, प्रताप की सेना में दो दस्ते थे, दूसरे का नाम बताओ भैया। हाँ वेरी गुड, चंदावर दस्ता, ये क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले चंदावर दस्ता है उसका जो सेनापति है उसका नाम क्या है रे बताओ, भील पूंजा, वेरी गुड भील पूंजा। ये क्या होता है, प्रताप की सेना का चंदावर दस्ते का क्या होता है, सेनापति होता है। ये क्वेश्चन 2014 में राजस्थान पुलिस में आया था कि प्रताप का सेनापति है, क्या आया था क्वेश्चन, प्रताप का सेनापति था, निम्न में से कौन सा सेनापति है, तो वहां पे हाकिम खां सूरी ने नाम आके क्या था, भील पूंजा था। और बच्चों को समझ में नहीं आया कि ये कहां से आ गया, तो उसने क्या पूछ लिया, जो चंदावर दस्ता है उसका सेनापति पूछ लिया। अब ये चंदावर दस्ता क्या होता है, जो सेना होती है, सेना का जो एंड की जो टुकड़ी होती है, जो तलवारधारी होती है, बंदूकधारी होती है, उनका क्या होता है, ये सेनापति होता है। और ये लास्ट की जो सेना होती है उसको अपने नियंत्रण में रखता है। बोलो बात आई क्या यहाँ तक समझ में, कि चंदावर दस्ता कौन सा है और हरावल दस्ता कौन सा है, वेरी गुड, समझ में आई यह बात। और ये किस में पूछा गया था, ये 2014 में राजस्थान पुलिस में पूछा गया था आपका, ठीक है जी, वेरी गुड। फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट ले लो भाई। बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मन लगा के पढ़ रहे हैं। हाँ बच्चों, एक बार आप क्या करो यार, सभी एक बार इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। जितने भी आपके पास जो ग्रुप पड़े हैं ना, उन ग्रुप में आप क्या कर दो, इसको शेयर कर दो, ताकि मैं और भी बातें बता पाऊँ। ले लिया होगा आपने स्क्रीन शॉट, हाँ जी, वेरी गुड। अब देखो आगे की बात करते हैं। अब जो हमारी जो सेना है, इन सेनाओं के बारे में बात करने वाले हैं अपन, किस टाइप से ये युद्ध करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करेंगे कि हल्दीघाटी युद्ध से पहले सेनाओं का पड़ाव, यानी जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था उससे पहले इनकी सेना युद्ध के लिए जा रही थी, मैदान के लिए जा रही थी, तो उनके दोनों सेनाओं ने, मुगल सेना और प्रताप की सेनाओं ने कहाँ पे अपना पड़ाव डाला था, ठीक है जी। हल्दीघाटी घाटी
युद्ध से पहले सेनाओं का पड़ाव, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से काफी बार क्वेश्चन आते हैं। तो मुगलों का पड़ाव कहां था, ठीक है जी, पहला पॉइंट कर लेते हैं। मुगलों का पड़ाव और दूसरा करते हैं प्रताप की सेना का पड़ाव, ठीक है जी। तो युद्ध से पहले की बात कर रहे हैं भैया, पहले देख लो, युद्ध से पहले सेनाओं का पड़ाव कहाँ था, तो जो कौन सा है मुगलों, जो मुगल सेना है उनका पड़ाव कहाँ था, मांडलगढ़ था। कहाँ पे था, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ आपको पता है कहाँ पे पड़ता है, वेरी गुड, बताओ फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, वेरी गुड। तो ये कहाँ पे है, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां में आता, कहां पे आता है, भीलवाड़ा, वेरी गुड, ठीक है जी। और जो प्रताप की सेना है उनका पड़ाव कहां था, वेरी गुड, हाँ जी बताओ, वेरी गुड, वेरी गुड, कोगुंदा में, गोगुंदा में। और गोगुंदा कहां आता है भैया, फटाफट बताओ, वेरी गुड, सभी का बढ़िया आंसर आ रहा है आपका, उदयपुर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बात करते हैं, दूसरा पॉइंट लगा देते हैं, हल्दीघाटी युद्ध के दौरान दौरान सेनाओं का पड़ाव, सेनाओं का पड़ाव। अब युद्ध के समय सेनाओं के पड़ाव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे बात कर लेते हैं किसकी, मुगलों का पड़ाव और दूसरा करते हैं किसका, प्रताप की सेना का पड़ाव, ठीक है जी। अब देखना दोनों का कहां पड़ाव होता है, युद्ध के दौरान की बात करता हूं तो जो मुगलों का पड़ाव है, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, मोलेला, कहां पे पड़ता है ये मुगलों का, मोलेला। और मोलेला कहां आता है भैया, फटाफट बताओ, वेरी गुड, वेरी गुड, राजसमंद में आता है, ठीक है जी। और इनकी सेना का कहां पर था, प्रताप की सेना का, वेरी गुड, केलवाड़ा। और केलवाड़ा कहां आता है, उदयपुर, ठीक है जी। तो ये क्या थे, इनकी जो सेनाएं हैं उन्होंने अपना डेरा कहां था, पहले ये तो नहीं था कि भैया युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो कोई गाड़ियों में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं था। आज इतनी सुविधा थोड़ी थी, ये बेचारे पैदल आते थे सेना लेके, और जब सेना दूर से आती थी तो बीच में ठहराव तो होता ही था इनका, नहीं होता था क्या, बिल्कुल होता था। अब जो ठहराव होता है तो युद्ध से पहले का ठहराव कहाँ है, जो मुगल सेना है उनका तो है मांडलगढ़ में है, जो कि भीलवाड़ा में है। और प्रताप की सेना का कहाँ है, गोगुंदा, उदयपुर में। युद्ध के दौरान इनका जो मुगल सेना का पड़ाव कहाँ है, मोलेला, राजसमंद में है। और दूसरा प्रताप की सेना का पड़ाव कहाँ है, केलवाड़ा, उदयपुर में, ठीक है। कई कई बार मेरे को बच्चे बोलते हैं सर ये याद नहीं होते, तो चलो मैं बता देता हूँ आपको, याद करने का तरीका बताऊँ। जब कोई भी सेना या आप कोई काम करने के लिए जाते हो, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए जाते हो, तो उनसे पहले आपको कुछ खिलाया पिलाया जाता है ताकि आप बढ़िया काम करो। जिस प्रकार से किसी की शादी करते हैं, चाहे लड़की मान लो या लड़के की मान लो, जब शादी करते हैं तो शादी से पहले आपके गूंद के लड्डू खिलाए जाते हैं और कुछ बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाई जाती हैं। खिलाई जाती है या नहीं खिलाई, देखो कितने मन में लड्डू फूट रहे हैं सबके। अरे आपका भी नंबर आएगा, आएगा आएगा, विश्वास रखो आप भी। देखो विश्वास रखोगे ना तभी काम होने वाला है, ऐसे नहीं काम होने वाला, विश्वास तो आपको रखना ही पड़ेगा। हाँ होगा, एक दिन आएगा।
देखो वो मारवाड़ी में कहावत है ना, गणा घयार थोड़ा हो रही, तो आने वाली है। हाँ सुनील, ठीक है। अरे रहने दे छोरे, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, देखो अब कोई भी सेना युद्ध करने के लिए जाएगी तो वहाँ पे क्या होता है कि उस युद्ध में ताकत आए उससे पहले उनको कुछ खिलाया पिलाया जाता है। तो अब याद देख लेना, मुगलों का पड़ाव यानी मुगल सेना को क्या पिलाया जाता था, मांड पिलाया पिलाया गया, यानी मुगलों की सेना को मांड पिलाया गया। अब मांड क्या होता है, जैसे आपको ध्यान है तो पहले के लोग मांड पीते थे, जैसे चावल होते हैं चावलों को गर्म करते हैं तो उनका जो पानी होता है ना उनको ही मांड बोलते हैं। अपन को तो याद करना है और कुछ नहीं है, ये केवल याद करने की ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो ये मांड पी के गए थे, कौन गए थे, मुगलों की जो सेना होती है वो मांड पी के गई थी, और जो प्रताप की जो सेना है ये गोंद गोगुंदा यानी गोंद के लड्डू खा के गए थे कि भैया युद्ध करना है, गोंद के लड्डू खा लो ताकत आएगी, ऐसा सोच थी। तो गोगुंदा, अब बात करते हैं क्या कि हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान जब युद्ध लड़ रहे थे उस दौरान इनका पड़ाव कहाँ था। अब मुगलों का पड़ाव कहाँ था, मोलेला राजसमंद में, और प्रताप का था केलवाड़ा। तो मुगलों की सेना ने कहा कि भैया मोलेला यानी मोल ले लो हमसे। तो प्रताप ने क्या कहा कि तेरे जो अकबर है उसकी मैंने कभी अधीनता ही नहीं स्वीकार की, तो तेरे से क्या मोल ले लूं, हम क्या करेंगे, केले खा के ही क्या कर लेंगे, आपको विजित कर लेंगे यानी हमारा उदय हो जाएगा, हम केले खा के काम काल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से याद करने का तरीका था और कुछ नहीं था, अब याद रख लेना। तो एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड, हाँ जी वेरी गुड। तो आप रसगुल्ले नहीं हो, ये आशीष बोल रहा है कि मैं तो क्या हूँ, राजभोगी हूँ भाई। हाँ आशीष तू राजभोगी है, टेंशन मत ले, ठीक है ना। वेरी गुड, हाँ जी बात करते हैं आगे की। अब देखो हल्दीघाटी में जो हल्दीघाटी का युद्ध होता है उनमें कुछ इतिहासकारों की हम बात करते हैं, ठीक है जी। तो हल्दीघाटी युद्ध में इतिहासकार, इतिहास का जो हल्दीघाटी में जो इतिहासकार थे उनकी क्या भूमिका है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बदायूनी की, किसकी, एक नंबर पे लेते हैं बदायूनी। बदायूनी इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, यहां से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो पहली बात तो करते हैं कि ये जो बदायूनी है ये अकबर का क्या होता है, आश्रित दरबारी कवि था, कौन था, अकबर का आश्रित दरबारी कवि था। कौन था, आश्रित दरबारी कवि था, ठीक है। अब बात क्या करता है कि इसने अकबर के विरुद्ध क्या लगा दिया, आरोप पत्र तैयार किया। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अकबर के विरुद्ध इसने क्या लगाया, आरोप पत्र तैयार किया। दूसरा पॉइंट है अकबर के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार किया, क्या किया, पत्र तैयार किया। दूसरी बात और भी, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है। और अकबर ने क्या कहा है इसको, इस्लाम का शत्रु। अकबर को कहा, क्या कहा बोलो, इस्लाम का शत्रु, क्या कहा, इस्लाम का शत्रु इसने कहा। अब बात करते हैं कि ये जो बदायूनी है उसकी एक पुस्तक है, इसके बारे में बात करते हैं, इसकी क्या है, एक पुस्तक है भैया।
पुस्तक का कल भी मैंने नाम में जिक्र किया था, फटाफट आप बताओ क्या नाम है उस पुस्तक का, बताओ एनीवन, कोई भी बता सकता है। हाँ जी, हाँ जी, मुनखब उल तावरिक। उल तावरिक, ठीक है जी। हाँ जी, अब बात करते हैं ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी भैया, ये बताओ। फारसी भाषा में। हाँ जी, अधिकांश बच्चे बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। हाँ, कौन सी भाषा में है? फारसी भाषा में। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, अब देखो ये इसके जो मुंतखब उल तावरिक है ये कब प्रकाशित हुई, प्रकाशित ये कब हुई भैया? जहांगीर के समय, जहांगीर के समय ये क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। अब इसने ही, बदायूनी ने ही क्या कहा, जो प्रताप है, प्रताप को क्या कहा, राजस्थान का महानतम सुल्तान। तो बदायूनी ने ही प्रताप को कहा, नोट लगा के लिख देता हूं, प्रताप को कहा, राजस्थान का महानतम सुल्तान। तो ये किसने कहा, राजस्थान का महानतम सुल्तान, ये बदायूनी ने ही कहा। किसको कहा? प्रताप को कहा। अब इसका जो हल्दीघाटी है इसका संजीव वंडन ये किसने किया था, ये हल्दीघाटी का संजीव वंडन भी बदायूनी ने ही किया था, यानी हल्दीघाटी का संजीव वंडन। हल्दीघाटी युद्ध का संजीव वंडन ये किसने किया था भैया? बदायूनी ने ही किया था, बदायूनी ने ही किया, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये बदायूनी ने ही क्या किया था, इनका संजीव वंडन किया था। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। तो एक बार आप फटाफट इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो। ठीक है जी, ले लिया होगा आपने, वेरी गुड। अब बात करते हैं आगे की। इसमें एक इतिहासकार और है, उसके बारे में बात करते हैं। तो उस इतिहासकार में क्या क्या बताया गया उसके बारे में, ठीक है। तो दूसरा इतिहासकार कौन है उसके बारे में बात करते हैं, अबुल फजल। अबुल फजल, ये जो अबुल फजल है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है अकबरनामा। पुस्तक कौन सी है? अकबर नामा। तो अकबर नामा किसने लिखी भैया? ये लिखी अबुल फजल ने, ठीक।